M.T. Gurson, India, and President, United Industrial Association of Haryana. Up next, please welcome Mr. Nipun Narula, CEO, Sri Triveni Crafts. तालियों के साथ वेलकम करेंगे सभी का. Please welcome Dr. Pradeep Kumar, author, creative energy order, business life mentor, CEO, Area Success Hub. Joining us on stage is the panelist. Please give it up for Surinder Saini, Chairman, Federation of National Industries. And of course, completing the panel is the moderator. Please give it up for Mr. Shiv Singhal, Director, Devalya Education Private Limited. आज के इस सत्र को शुरू करते हैं. वॉइस ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री का हमारे सबके लाइफ में कितना इम्पैक्ट है, क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सब हम जानते हैं. 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं. मैं मुंजाल जी से सीधा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ स्टार्ट करते वक्त. वेयर वी आर हेडिंग एज ए स्टेट हरियाणा. सी एज अ स्टेट हरियाणा वी आर रियरली हेडिंग टूवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस. बट आई हैव बीन इवेल्यूएटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड हैव बीन सीइंग प्रॉब्लम्स ऑफ डे टू डे बेसिस being reported by our fellow members of the association. So I would like to suggest just 2 solutions jo ki mujhe lagta hai badi major changes hamare state ko denge, because Haryana is highlighted on the global map aur main chahta hu ki we should progress in such a speed taki hum as a country China ko surpass kare. So first generation businessman ko aane ke liye bahut sari jaddojahad karni padti hai. He has to fight many obstacles. He has to fight fear of losses. Obstacles as in परिवार में लोग चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, कुछ भी करो जिसमें रिस्क कम हो. लेकिन जो आदमी पहला बिजनेस करना चाहता है उसको इस सब चीज़ से लड़ना पड़ता है. फाइनली वो इस जद्दोजहद के बाद जब बाहर आता है, बिजनेस करता है, तो कुछ लोगों की जनरेशन लग जाती है बिजनेस को सेटल करने में. सो इट इज़ अ डीप एंड अ वेरी वेरी यू नो हार्ड वर्किंग प्रोसेस टू रन योर ओन बिजनेस. बट एट दी एंड जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो यू आर एबल टू जनरेट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल. जब आप एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देते हैं उसके साथ यू आर एज अ बिजनेस कम्युनिटी द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस. सो इतनी सारी चीज़ें अगर बिजनेसमैन करता है तो उसको एक रिक्विजिट इज्जत और रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है. तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता के लिए बिना सरकार के सहयोग के आप कुछ नहीं कर सकते. ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिले तो हमारा पेस बहुत बढ़ जाएगा. वी आर नॉट कम्पीटिंग विद पाकिस्तान, वी आर कम्पीटिंग विद चाइना. सो वी हैव टू स्पीड अप आवर रिफॉर्म्स, वी हैव टू इवॉल्व एज फास्ट एज पॉसिबल. तो मेरे पास हरियाणा के लिए 2 बड़ी एक सिंपल सुझाव हैं ताकि हम एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच सकें. एक तो मैं अपने सारे प्रशासन से निवेदन करूंगा, एक मेरी प्रपोजल है हरियाणा इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके तहत हमें कुछ भी आवेदन अगर देना हो तो वो आवेदन एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाए और बैक एंड टीम उसको सेग्रेगेट करके अलग अलग डिपार्टमेंट को दे. जैसे कि MCG के लिए कुछ है तो MCG के पास चला जाए, GMDA के लिए कुछ है तो GMDA के पास चला जाए. वो ऑनलाइन बैक एंड सेग्रेगेशन हो ताकि आवेदन करने वाले को कोई तकलीफ ना हो. नहीं तो हमारे लोग उलझ जाते हैं ये सोचने में कि भैया ये GMDA का काम है, MCG का काम है, या किसका काम है. तो ये काम बड़ा आसान कर देगा. और इसके अलावा सरकार को इस नीति में इसको इसमें घंटे निर्धारित करने चाहिए कि 72 घंटे में आपको या तो रिजेक्शन मिलेगी या अप्रूवल मिलेगी. नंबर 2, मेरी एक प्रपोजल और है इस चीज़ को स्पीड अप करने के लिए, विच इज़ सेटअप ऑफ एंटरप्रेन्योर कंप्लेंट सेल. जिस तरह आपका एक CM विंडो है, CM विंडो इज़ फॉर एवरीबडी. एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने के लिए एक कंप्लेंट सेल बनाया जाना चाहिए जिसके तहत अगर कोई भी बिजनेसमैन, वेदर MSME, वेदर सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर, हुसोएवर वांट्स टू
send a complaint or advisory to the government. So that should be taken upon priority within 72 or 72 hours or 4 days. Thank you, sir. Now, मेरा अगला प्रश्न है सुरेंद्र सैनी जी से, बहुत सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. जब हम कंपेयर करते हैं हरियाणा एज ए इंडस्ट्रियल हब, और अगर हम इसको किसी अदर स्टेट से कंपेयर करें जैसे गुजरात से, वहाँ की पॉलिसीज जो हैं सरकार की बड़ी फेवरेबल हैं ऐसा लोग कहते हैं, तो हरियाणा में हमारे को कितना सपोर्ट है सरकार का और पॉलिसीज कैसी हैं ग्रोथ के लिए, इसके ऊपर जरा प्रकाश डालें. सबसे पहले तो मैं सारे उपस्थित लोगों से नमस्कार करता हूँ, और साथ में इस भव्य आयोजन के लिए मैं मेरे प्रिय मित्र राज वर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन हरियाणा ग्रोथ के लिए किया. साहब, हमारे यहाँ पर पॉलिसीज तो बनती हैं पर वो एक्टिवेट नहीं होती. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर है वो किताबी पॉलिसीज होती हैं जो फील्ड में, मतलब हमारे फील्ड के अंदर वो नहीं उतर पाती. गुजरात के अंदर या हम गुजरात में भी, मेरे पास अपनी लैंड्स हैं गुजरात में भी, मैंने अपना काम किया हुआ है, लेकिन वहाँ की पॉलिसीज और यहाँ हरियाणा की पॉलिसीज के अंदर, वहाँ वो लोग सरकारी तंत्र जो है वो बहुत हेल्प करता है एक्टिवेट अपनी जो भी पॉलिसीज होती हैं उनको एक्टिवेट करने में. यहाँ पर हमें वही जो अभी मुंजाल जी ने कहा कि वन विंडो सर्विस हो तो शायद हम इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा उभर सकते हैं और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं. थैंक यू सर. मेरा अगला प्रश्न है डॉक्टर प्रदीप कुमार जी से, क्या क्या इंटरनल चैलेंजेस हैं, एक हो गया एक्सटर्नल चैलेंजेस जैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, उसकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन चाहिए, ऐसे इंडस्ट्रीज के अपने इंटरनल चैलेंजेस होते हैं, वर्क फोर्स का मिलना आसानी से, स्किल्ड वर्क फोर्स का मिलना, तो ऐसे क्या क्या इंटरनल चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है कि इंडस्ट्री फेस कर रही है और उसके क्या सॉल्यूशंस आप देखते हैं? जी धन्यवाद आप सबका. चैलेंजेस तो बिजनेस ओनर को सबसे पहले आता है, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इतना ज़्यादा, उद्योगपति हैं वो, हस्बैंड है उद्योग के वो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट एंटरप्राइजेस की है, बी इट व्हाट, गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉई हो, पार्टनर्स इन प्रोग्रेस हो, सप्लायर हो, कस्टमर हो, इतने सारे हसल्स उसको डेली बेसिस पे देखने हैं. अब उसको उस स्टेट में रखने के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पे कि वो हाई एनर्जी जोन में रहे और उसका ग्रोथ माइंडसेट हमेशा एक पावरफुल जोन में रहे. तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा में एग्जांपल लेते हैं, आज वर्ल्ड स्पोर्ट्स एरिना में हरियाणा का नाम है, इतने सारे मेडल्स आ रहे हैं, तो एक फैसिलिटी क्रिएट की प्लेयर्स के लिए इन्होंने भिवानी में और भी जगह की. सिमिलरली उसी पैटर्न पे जहाँ बिजनेस ओनर्स के लिए वो क्लब या ऐसा कोई मोटिवेशन पॉइंट है ही नहीं, कम्प्लीटली मिसिंग है. मैंने देखा ग्रोथ समिट और जगह अटेंड की मैंने, गुजरात की महाराष्ट्र की, इंडिया ग्रोथ समिट्स की, झारखंड की, वहाँ पे जाके देखते हो एंटरप्रेन्योर्स डेली बेसिस पे एक सर्टन, एक उनका एक तरीका है मिलने का. हमारे अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं हर तरह के फीलिंग्स के, डिसीजंस के, तो एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाए जब जहाँ पे नॉन कॉम्पिटिंग इंडस्ट्री के आदमी आपस में एक दूसरे से बात शेयर कर सकें, और वहाँ पे अच्छे गुरु भी होने चाहिए. पुराने स्पोर्ट्स के जो चैम्पियन वाले हैं वो नीचे वालों को एक गुरु शिष्य वाला एक रिलेशनशिप रहता है, तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में ऐसा कम्प्लीटली मिसिंग है. सब अपनी अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़ रहे हैं, और अगर कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो तो उससे बात करते हैं, उस टाइम उसके एडवाइस देने वाले फ्रेंड की क्या सिचुएशन है किसी को नहीं मालूम है. अगर डिसीजन मेकर सही है तो नीचे वाले सारे उस डिसीजन से इन्फ्लुएंस होते हैं और सारे ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे आगे अपने गोल को अचीव करने में लगे रह सकते हैं. थैंक यू. सुरेंद्र सैनी जी ये बताइए, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बहुत सारी हैं हरियाणा में, अगर हम अगर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 14 से ज़्यादा हैं, तो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन कितनी इफेक्टिव हैं और वो कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि कुछ होता है इंटरनल कुछ होता है एक्सटर्नल, तो ये भी इंटरनल का विषय है कि उनको इफेक्टिव किस लेवल पे हैं और क्या क्या करने की जरूरत है. देखिए बहुत सारी एसोसिएशंस एक्टिव भी हैं पर वो अपने अपने क्षेत्र में या अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए ही जो है ना काम करती हैं. हमने भी एक लास्ट ईयर हमने एक आयोजन किया था गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एक्सपो, उसमें हमने अपनी सारी औद्योगिक जितने भी हमारे संघ थे उनको हमने इकट्ठा किया था इस एक मंच करने के लिए. तो उसमें से हम ये नहीं कहते कि 100% हमारे साथ आए, लेकिन काफ़ी लोग 90% तक सब हमारे साथ थे,
और उस चीज का बेनिफिट भी मिला लोगों को, लेकिन जब तक हम अपने आप को एक साथ इकट्ठा जोड़ के या अपने मुद्दों को एक ही स्टेज पे और एक ही जगह पे रखकर नहीं करेंगे तो शायद गवर्नमेंट हमारी इन बातों को ज्यादा ध्यान ना दे पाए। ओके सर, अब मैं प्रश्न करूंगा नरुला जी से कि एज ए यंग इंडस्ट्रियलिस्ट आपको क्या लगता है, आपका आउटलुक जो है हरियाणा कैसे औरों स्टेटों के लेवल पे, चाहे क्वालिटी है, चाहे डिलीवरी है, चाहे इम्प्लीमेंटेशन है, आप क्या सजेशन करना देना चाहेंगे अपने फेलो फ्रेंड्स को, मतलब दो भी यू बीइंग यंग बट एक न्यू आउटलुक के साथ, आपको क्या लगता है क्या चीज़ें होनी चाहिए जो टॉप प्रायोरिटी पे, टॉप थ्री एजेंडाज कौन से होने चाहिए? सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स एवरीवन फॉर लेटिंग मी बी हियर। तो मेरे हिसाब से जो बिगेस्ट चैलेंज आज की डेट में हम लोग एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट फेस करते हैं इज़ दी लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, जो कि अगर एज गवर्नमेंट विद दी ऑर्गेनाइजेशन विद दी स्कूल्स अगर द राइट माइंड सेट विच इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क इन इंडस्ट्री एंड इन अ एमएनसी इज़ वेरी डिफरेंट। तो जो एमएसएमई यूनिट्स हैं वहाँ पे काम करने के लिए जो माइंड सेट है वो बहुत डिफरेंट होना चाहिए और वो इनकलकेट करना गवर्नमेंट अगर विद दी इंस्टीट्यूट्स उसको करे तो एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और हम लोग भी अपनी इंडस्ट्रीज में फिर वो राइट क्वालिटी पर्सन फाइंड कर सकते हैं जिससे कि हम लोग द करेक्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपनी एमएसएमई यूनिट्स में ला सकते हैं। सेकेंडली एक प्लेटफॉर्म मिस है जहाँ पे हमें पता है कि देयर इज़ अ इंडस्ट्री जहाँ पे मेरे प्रोडक्ट की नीड बहुत ज़्यादा है बट उसका जो बैरियर है वो बहुत बड़ा है, मैं वहाँ तक रीच नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर गवर्नमेंट एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे हम लोग एमएनसीज को रीच कर सके एंड दे बिकम अ ब्रिज टू दैट, तो वो एक बहुत बड़ा हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए और हम लोग कॉन्स्टेंट ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड मेरे हिसाब से सजेशंस है कि जो कंप्लायंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर कंप्लायंसेज हैं, टैक्स रेगुलेशंस हैं, अगर उनके ऊपर गवर्नमेंट थोड़ा सा उसको रिलैक्स करे, प्रोसीजर्स को रिलैक्स करो और एक प्लेटफॉर्म जैसे सर ने बताया कि अगर एक पेमेंट मेथड, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे हम ये सभी चीज़ों का सॉल्यूशन पा सके तो ओवरऑल देयर वुड बी एनॉर्मस ग्रोथ और हम सब लोगों को दिखेगा कि हाँ द इंडस्ट्रीज आर कमिंग एट द लेवल ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। राइट सर, आपसे लास्ट प्रश्न है, एमएसएमई की बहुत सारी फेवरेबल पॉलिसीज भी हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए बनी है, चाहे फंडिंग की बात हो और बहुत सारी हैं, तो 1 to 10 के स्केल पे वेयर वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन? आज की तारीख में फाइनेंशियल रिसोर्स की कोई कमी नहीं है जी, अगर एम्बिशियस प्लान है किसी के पास तो कैपिटल की कोई कमी नहीं है। ट्रेनिंग हमारे स्किल मैन पावर को दे, प्रोसेस हमारा डिफाइंड हो और ग्रोथ माइंडसेट को हम मेंटेन कर पाए, सो ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। और इंडिया के सामने अभी इतनी मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड की आज हमारे सामने ग्रोथ के लिए है, हमें सिर्फ फोकस रहना है और बस 100% डिवोट करना अपने आप को। सो हम ये ना सोचें कि एक्सपेक्ट करेंगे पॉलिसी, जो जेन्युइन आदमी है उसको कोई कमी नहीं है। वैसे टोपी घुमाने वाले को भी कैपिटल मिल रही है आज की तारीख में, बट ये जरूर है जेन्युइन आदमी को आज जो अवेलेबल है 30 साल पहले नहीं था, तो आज इतना फास्ट आप कैपिटलाइज कर सकते हो, अपनी सीडी कर सकते हो, बैंक भी सपोर्ट कर रहा है, कोलेटरल फ्री लोन्स मिल रहे हैं, जो हमारे टाइम में 25,000 रुपये का मिलता था आज करोड़ों रुपये में कोलेटरल फ्री मिल रहा है। और ये ट्रुथ है, बैंकों के सामने फंड्स लेने वाले लोग नहीं हैं। तो सच ये है कि इस टॉपिक पे बात ना करें, सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड हो जाए, उसमें एफिशिएंसी को बढ़ाएं, ऑप्टिमाइजेशन करें और सभी स्टेक होल्डर्स को डिलाइटेड महसूस कराएं, सब आनंद में रहें पूरी चेन के अंदर। थैंक यू सो मच, और सब लोगों ने बड़े वैल्यूएबल इनपुट्स दिए और मुझे लगता है ये बात जो चैलेंजेस हैं वो आगे पहुँचेंगी, सरकार तक भी पहुँचेंगी और जो इंटरनल है, जो एसोसिएशंस हैं आपकी, वो भी मिलके कुछ और हेल्दी और एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को यू नो अडॉप्ट करेंगी। लास्ट वर्ड मुंजल साहब आपसे, एक सिंगल सजेशन टू योर ओन फ्रेटर्निटी। देखो जी, मेरी एक सिंगल सजेशन है, सबकी बात मैंने सुनी, आई विल कम टू द क्रक्स इज कि हमें और सरकार को, वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, हमें टीम वर्क करना होगा। yes. हम बिजनेस वाले हैं, हम बिजनेस वालों की सोच है वतन की रेत, मुझे एडियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहाँ से निकलेगा, अगर सरकार साथ देगी तो पानी क्या तेल भी निकलेगा, हीरा भी निकलेगा। बहुत खूब, स्कूल के समय से टीम वर्क सिखाया जाता है और लास्ट कॉर्पोरेट तक उसकी जरूरत है। थैंक यू एवरीवन फॉर यू नो योर प्रेजेंस हियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।